पर झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के भाजपा पूरी तरह से तैयारियों में जुट गई है। झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के भाजपा के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा झारखंड में देखने को मिल रहा है और इस दरमियान देश के गृह मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय नेता अमित शाह 20 जुलाई को रांची दौरे पर आ रहे हैं। रांची के दूरवा स्थित प्रभात तारा मैदान से अमित शाह चुनावी शंखनाद करने वाले हैं। 20 जुलाई को रांची के प्रभात तारा मैदान में भाजपा की ओर से आयोजित कार्यकारिणी सम्मेलन में अमित शाह पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं को चुनावी मंत्र देते नजर आएंगे। अमित शाह के कार्यक्रम को लेकर के एयरपोर्ट से कार्यक्रम स्थल प्रभात तारा मैदान तक और प्रभात तारा मैदान से प्रॉपर्टी कार्यालय तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होंगे। तो वहीं कार्यक्रम के दौरान अमित शाह के सुरक्षा को लेकर के गृह मंत्रालय और सीआरपीएफ ने अभी से ही कमान संभाल ली है। अमित शाह जी हमारे जो गृह मंत्री हैं उनका भी आने का कार्यक्रम हुआ है। इस कार्यक्रम में शिवराज सिंह चौहान जी, आदरणीय हेमंत बिश्व शर्मा जी, हमारे प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, हमारे प्रदेश के सभी प्रमुख नेता बाबूलाल मरांडी जी सब रहेंगे और अमित शाह जी उस दिन आएंगे और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, कार्यकर्ताओं से बात विचार करेंगे और मैं समझता हूँ कि एक बृहद कार्यक्रम कार्य समिति की योजना भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है और वो उस दिन वहाँ दिन भर चलने वाली है। 20 जुलाई को रांची के प्रभात तारा मैदान में अमित शाह के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के लिहाज से गृह मंत्रालय के जो तमाम अधिकारी हैं सुरक्षा के लिहाज से अभी फिलहाल भाजपा कार्यालय यानी रांची के बीजेपी कार्यालय पहुंचे हुए हैं और इनके साथ सीआरपीएफ के वैसे कई अधिकारी हैं, स्टेट पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी है वो भी यहाँ पर मौजूद है। जाहिर सी बात है गृह मंत्रालय के जो तमाम जो टीमें हैं वो फिलहाल यहाँ पर सिक्योरिटी के हिसाब से, सुरक्षा के लिहाज से वो यहाँ पर मौजूद है और भाजपा कार्यालय के एक एक चीज़ें जहाँ पर अमित शाह आएंगे 20 जुलाई को कार्यक्रम के बाद और इसी भाजपा कार्यालय में पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनके साथ चुनावी मंथन में शामिल होंगे। तो जाहिर सी बात है आप देख सकते हैं ठीक हमारे सामने विजुअल के माध्यम से जो गृह मंत्रालय के अधिकारी हैं, सीआरपीएफ के जो तमाम जो अधिकारी हैं जो सुरक्षा के लिहाज से तैनात रहेंगे वो फिलहाल दो दिन पहले यहाँ पर पहुँच चुके हैं क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह एक दिवसीय दौरे पर 20 जुलाई को रांची पहुंच रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में सुरक्षा के लिहाज से ये कदम उठाया गया है क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से एयरपोर्ट से लेकर प्रभात तारा मैदान और प्रभात तारा मैदान से लेकर भाजपा के जो ये कार्यालय है इस कार्यालय तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होंगे और जाहिर सी बात है जब अमित शाह अब यहाँ पर आ रहे हैं तो ऐसी स्थिति में सुरक्षा के लिहाज से ये जो तमाम जो चीज़ें ये लाजमी हैं। और ठीक हमारे पीछे आप देखिए सीआरपीएफ के जो वीआईपी सिक्योरिटी में जो लगे हुए रहते अधिकारी वो यहाँ पर मौजूद है, वो तमाम चीज़ों को लेकर बारीकी से मुआयना कर रहे हैं कि अमित शाह के जो कार्यक्रम होंगे तो यहाँ पर कितने घंटे वो रुकेंगे, कहाँ कहाँ पर उनके सभा स्थल हैं और अगर वो पार्टी ऑफिस अगर पहुँचते हैं तो वो कौन से फ्लोर पर किस अधिकारियों के साथ बैठेंगे, जो पार्टी के जो अधिकारी उनके साथ किस फ्लोर पर बैठेंगे और किस फ्लोर पर उनका कार्यक्रम है, इन तमाम चीज़ों को लेकर इन्होंने बारीकी से जायजा लिया और इनके साथ जो स्टेट पुलिस है यानी झारखंड पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से झारखंड पुलिस की भी एक बड़ी दायित्व होती है क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से जब गृह मंत्रालय का अधिकारी जब मोर्चा संभाल ही रहे हैं, इसके अलावा सीआरपीएफ के जो आला अधिकारी मोर्चा संभाल ही रहे थे, इसके बाद स्टेट पुलिस की भी एक बड़ी जिम्मेवारी होती है और उसी स्टेट पुलिस के जो अधिकारी है वो भी यहाँ पर मौजूद है। और देखिए ठीक हमारे बगल में ये जो बड़ी सी जो आप वाहन देख रहे हैं ये सीआरपीएफ के वाहन है और इसी वाहन में जो अधिकारी है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और ये पार्टी कार्यालय के ठीक सामने का ये दृश्य है और तमाम लोग लगभग एक से डेढ़ घंटे तक यहाँ पर पार्टी ऑफिस में ही इसी पार्टी ऑफिस में मुआयना करके अब यहाँ से वो निकल रहे हैं। यानी 20 तारीख को यानी 20 जुलाई को अमित शाह के जो रांची में कार्यक्रम है भाजपा के द्वारा जो आयोजित किए गए हैं प्रभात तारा मैदान में उस कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होंगे। अपने बीडो जर्नलिस्ट समित के साथ सूरज, न्यूज नेशन, रांची।